गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इससे पहले हम कर चुके हैं पहला मेथड नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आज हम नेक्स्ट मेथड करेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मींस द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज या फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन फिजिकल एजेंट्स आर यूज। इन फिजिकल एजेंट्स फर्स्ट इज द कॉन्डोम, सेकेंड सर्वाइकल कैप्स, थर्ड डायफ्राम्स। कॉन्डोम्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों टाइप, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं, और ये प्लास्टिक से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेक्सुअल पार्ट्स पे यूज किए जाते हैं बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इनका यूज जो है वो इफेक्टिव मेथड माना जाता है। प्लस जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है और इनको इजीली डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है। सो ये इवन कॉन्डोम्स जो है एसटीडीज के अगेंस्ट भी प्रिवेंशन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लस इनको इकोनॉमिकल भी हैं यूज करना। सेकंड सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, दीज आर यूज बाय द फीमेल्स बिफोर सेक्शुअल इंटरकोर्स। सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स दे आर द सम कैप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर जस्ट यूज एट द सर्वाइकल एरिया ऑफ द एक्सटर्नल, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो सर्विक्स एरिया होता है, दिस इज द सर्विक्स एरिया। सर्विक्स एरिया पर डायफ्राम जो ये सर्विक्स एरिया है या सर्विक्स ओस एक्सटर्ना है, जो सर्विक्स की एक्सटर्नल ओपनिंग है, उस ओपनिंग पर सर्विकल कैप या डायफ्राम्स को, ये प्लास्टिक या लेटेक्स के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, दे आर जस्ट यूज एट द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब एरिया। सो सर्विक्स एंड द डायफ्राम्स दे आर यूज बाय द फीमेल्स, दे आर सम सर्वाइकल कैप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एडजस्टेड एट द opening of cervix and they prevent the entry of sperms into the female tract या female reproductive in the uterus and the fallopian tube area. They are more effective when they are used with the some spermicidal agents. They give many more protection if they are used with spermicidal agents. These three are used for the barrier these three are the barrier methods. These are most effective because they give protection against STDs, they are economical and they are user friendly, maintain the privacy, and they also mostly effective या most effective. These are the your characteristics या we can say advantages of barrier methods. They prevent against STD. STD के against prevention देते हैं, economical हैं, user friendly हैं, privacy maintain रहती है इससे, और जो user हैं उनकी privacy maintain रहती है, effective method भी माना जाता है। सो ये अभी हमने किया बैरियर मेथड, इसके बाद नेक्स्ट मेथड करेंगे और मेथड इज दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में केमिकल्स को यूज किया जाता है, दीज आर द देयर आर सम स्पर्मिसाइडल एजेंट्स which kill the sperms in the female reproductive tract। केमिकल मेथड्स के अंदर कुछ केमिकल स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल का मीन्स होता है जो स्पर्म्स को मारने वाला, साइडल मीन्स किलिंग, स्पर्म मीन्स स्पर्म्स को, स्पर्म को मारने वाला एजेंट यूज किया जाता है। ये अप्लाई किया जाता है ऑन द फीमेल ट्रैक, बेसिकली ऑन द वजाइना एरिया, वेजाइना एरिया पर स्पर्मिसाइडल एजेंट्स या स्पर्मिसाइडल क्रीम
एजेंट्स, स्पर्मिसाइडल एजेंट्स जो है अवेलेबल होते हैं उनको लगाया जाता है। स्पर्मिसाइडल एजेंट्स क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल हैं, किसी लिक्विड की फॉर्म में, या फिर जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिनको वेजाइनल एरिया पर अप्लाई किया जाता है, और जैसे ही स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल ट्रैक में तो ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं। ये क्रीम्स या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, सबसे कॉमन या जो एक एजेंट है दैट इज़ द नोनोक्सिनोल, जिसको N9 भी बोलते हैं। ये एक एजेंट है, स्पर्मिसाइडल एजेंट है, ये एजेंट स्पर्म्स को किल करता है। सो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स आर बेसिकली केमिकल्स हैं जिनको सेक्शुअल इंटरकोर्स से पहले अप्लाई किया जाता है उन द फीमेल के वेजाइनल एरिया पर, जहाँ से जिसकी वजह से ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स स्पर्म्स की को किल कर देते हैं, उनकी मोर्टेलिटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रास या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एंड दे आर मोस्टली यूज विद दी फिजिकल बैरियर्स लाइक सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स। मोस्ट इफेक्टिविटी तब बढ़ जाती है इनकी जब ये फिजिकल बैरियर्स के साथ यूज किए जाते हैं। दिस इज़ द थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फोर्थ मेथड इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ पिल्स। वन इज एमरजेंसी पिल, सेकेंड इज वंस अ वीक पिल, एंड थर्ड इज डेली पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल होती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, और ये थ्री टाइप्स की हैं। इमरजेंसी पिल जिनको 72 आवर्स की ड्यूरेशन में लिया जाता है, वंस अ वीक पिल जिनको हर वीक में एक बार ही लेना पड़ता है, और डेली पिल्स जिनको हर डे लेना पड़ता है 28 डेज के लिए। ये थ्री टाइप्स की पिल्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करती हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इमरजेंसी पिल्स की। इमरजेंसी पिल्स लाइक दीज पिल्स आर टेकन विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। सेक्शुअल इंटरकोर्स जो अनप्रोटेक्टेड किया गया है उसको विदिन 72 आवर्स में इन इमरजेंसी पिल्स को लेना होता है, बिकॉज ये उसी ड्यूरेशन में वर्क करती हैं। और इन पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन का मिक्सचर होता है, या ये जो इस दीज पिल्स कंटेन द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन मिक्सचर। और ये पिल्स वर्क किस तरीके से करेंगी, अगर किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और उन जो एक फीमेल में पीरियड होता है वो 1 to 28 days 28 दिन का जो साइकिल होता है उसमें 14th डे मिडल पीरियड माना जाता है, या जिसको ओविलेटरी पीरियड माना जाता है, जो उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया वो ओविलेटरी पीरियड से पहले किया, अगर ये वर्क कैसे करेंगी, अगर ओविलेशन, जब तक ओविलेशन नहीं हुआ तब कैसे काम करेंगी, और अगर ओविलेशन हैज अकर्ड, अगर ओविलेशन नहीं हुआ तब और ओविलेशन हो गया है तो किस तरीके से काम करेंगी। पहले बात करते हैं अगर ओविलेशन नहीं हुआ, ओविलेशन नहीं हुआ इसका मतलब अभी तक 14 डेज तक नहीं पहुंचा है, और यहाँ पर जो 14 डेज से पहले ही अभी तक एग रिलीज नहीं हुआ तो दो हार्मोन है FSH एंड LH है, उनका लेवल फीमेल बॉडी में ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये पिल्स ली जाती हैं तो इन पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर होता है, जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये पिल्स ली जाएंगी तो ब्लड के अंदर इन दोनों हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, लेवल इंक्रीज होगा, और ये लेवल इंक्रीज होते ही इन दोनों हॉर्मोन्स का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है FSH एंड LH हॉर्मोन पर। ये इन दोनों हॉर्मोन्स को क्या कर देंगे, इन दोनों हॉर्मोन्स के LH और FSH के इफेक्ट को या इनके इनके लेवल को डिक्रीज कर देंगे। ये दोनों हॉर्मोन्स डिक्रीज होंगे इसका मतलब क्या नहीं होगा, ओविलेशन नहीं होगा या एग फॉर्मेशन नहीं होगा, एक ये वर्क होगा। अगर ओविलेशन से पहले इन पिल्स को ओविलेशन से पहले पिल्स को अगर लिया जाता है या अनवांटेड जो सेक्स है वो
ओवुलेशन पीरियड से या ओवुलेशन से पहले होता है तो ये जो एमरजेंसी पिल्स है इस तरीके से वर्क करती हैं। अगर ओवुलेशन हो चुका है उसके बाद अनवांटेड जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो उस टाइम 72 आवर्स के ड्यूरेशन में ये जो पिल्स ली जाती है तो ये कैसे वर्क करेंगी। अगर ओवुलेशन हो गया है देन जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन दोनों हार्मोन्स का लेवल 72 आवर्स में बहुत हाई होगा, पीक पर होगा, और जैसे ही 72 आवर्स के बाद दोनों हार्मोन्स जो हैं इनका लेवल डिक्रीज होगा, ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। लेवल ड्रास्टिकली डिक्रीज होते ही ये एंडोमेट्रियम वॉल्स को ब्रेक डाउन स्टार्ट कर का एंडोमेट्रियम वॉल्स को ब्रेक डाउन शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये दोनों तरीके से काम करती है। अगर ओवुलेशन, जब तक ओवुलेशन नहीं हुआ तब इनका असर कैसे होगा, और ओवुलेशन हो गया है उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो तब ये 72 आवर्स इमरजेंसी पिल्स जो हैं ये कैसे वर्क करेंगी। ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल 72 आवर्स के बाद एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल्स पर की रप्चरिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो इसमें पहली है इमरजेंसी पिल्स ये वर्क करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वंस अ वीक पिल। सेकेंड इज वंस अ वीक पिल्स। वंस अ वीक पिल्स मीन्स जो पिल्स वीक में एक ही पिल ली जाएगी, वन पिल विद इन अ वीक या एवरी वीक, हर हफ्ते एक ही पिल लेना। और ये पिल्स, इसमें सबसे कॉमन जो पिल है जो वंस अ वीक पिल्स में, सहेली बहुत इफेक्टिव है। दीज पिल्स आर नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। दीज आर नॉन स्टेरॉयडल मीन्स देयर इज नॉट एनी प्रिपरेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द फॉर्मेशन ऑफ सहेली। ये जो सहेली है ये इम्पोर्टेंट एक वंस अ वीक दी जाने वाली पिल्स हैं जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल है। और ये सहेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडियन इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में सिचुएटेड है वहाँ पर ये प्रिपेयर की गई है। और सहेली के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज द केमिकल, ये केमिकल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक्शन को इनहिबिट करता है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि ये सहेली वर्क कैसे करती है। सहेली जो है इनमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल का नाम है सेंट्रोमेन, केमिकल इज द सेंट्रोमेन। सेंट्रोमेन ये केमिकल प्रेजेंट होता है और ये केमिकल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस साइकिल नहीं चल पाता। यूट्रस साइकिल मीन्स यूट्रस में होने वाले जो भी चेंजेस, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करना यूट्रस का काम है, यूट्रस प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन होगी तो यूट्रस साइकिल स्टॉप हो जाएगा। तो ये दिस इज द वर्क ऑफ या इन द केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर टेकन वीकली या एवरी वीक नो डेली, दीज आर नॉन स्टेरॉयडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो एनी हार्मोनल प्रिपरेशन, दे हैव अ स्पेशल दे हैव अ केमिकल विच केमिकल इनहिबिट द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दिस इज द फंक्शन। थर्ड वी विल डू डेली पिल्स। डेली पिल्स, डेली पिल्स में मोस्ट कॉमन है दैट इज मालाडी। ये जो पिल्स हैं ये 21 डेज के ड्यूरेशन तक ली जाने वाली पिल्स है जो 21 दिन तक ली जाती हैं। इसको समझने के लिए हम सिंपली के जो मैथ्रोल साइकिल है फीमेल्स में वो पहले मीन सी 20 डेज का जो साइकिल है, इस साइकिल में पहले 1 to 5 डेज या 7 डेज अप्रोक्स 5 मान लेते हैं, 14 डे ओवुलेशन डे है, 1 to 5 डेज तक जो है पीरियड चलता है या मैथ्रोल पीरियड है। उसके बाद 5th डे के बाद फीमेल जो है वो अराउंड अगली 21 डेज जो बनेगी वहाँ तक क्या करेंगे, पिल्स को लेंगे। और इन पिल्स में प्रेजेंट क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट।
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये स्टेरॉयडल फेज है। इंसुलिन के साइड इफेक्ट भी हैं। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप होने के बाद नेक्स्ट 21 डेज तक ले जाने वाले पिल्स हैं। इसमें जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये हार्मोन्स FSH एंड LH हार्मोन के सेक्रेशन को रिड्यूस कर देंगे। इसका मतलब एग फॉर्मेशन नहीं होगी। पाँचवें दिन पे स्टार्ट किया, फिफ्थ डे पर और 25 या 25 तारीख तक, फिफ्थ डे 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये 21 डेज का जो ड्यूरेशन बना, यहाँ तक पिल्स ली। पिल्स लेने से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का हार्मोन ज़्यादा होगा, सिक्रेशन ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से FSH एंड LH रिलीज नहीं हुई और एग फॉर्मेशन नहीं हुआ। 21 दिन के बाद इनको स्टॉप कर दिया लेना। जैसे ही इनको स्टॉप करेंगे लेना, ये ड्रास्टिक डिक्रीज होगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में डिजिनेशन शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा।